हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा डिजिटल ऑफ लर्निंग में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इस चैनल पे कंटिन्यू क्लासेस और आरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का यहां पे प्रैक्टिस सेट चल रहा है दोस्तों, जिसका डेली टाइमिंग रहता है 9 PM। ध्यान दीजिएगा, डेली आप लोग को 9 PM में प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। टोटल आपको 50 क्वेश्चन जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स का मिक्स क्वेश्चन रहेगा दोस्तों, जिसमें आपको 35+ क्वेश्चन कर जाते हैं, तो समझिए कि आपका प्रिपरेशन अच्छे लेवल का चल रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये जो है सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन से मिक्स क्वेश्चन को उठा करके सेट बनाया गया है दोस्तों, और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन की तरह है, जो कि एग्जाम में आपको बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिस सेट नंबर 4 है ऑलरेडी। 3 प्रैक्टिस सेट आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए प्रोवाइड करा दिया हूं। इस चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर के देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी से रिलेटेड महत्वपूर्ण वीडियो और भी अपलोड है, वहां से अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लास का टाइमिंग 9 PM में डेली रहता है नाइट में। एंड यहाँ पे इस चैनल पे स्पेशली बिहार दरोगा एसआई का जो वैकेंसी आया है, उसका भी टेस्ट डेली प्रोवाइड हो रहा है दिन दोपहर में दोस्तों 2 PM में। अगर बिहार दरोगा का ही फॉर्म फिल किए हैं तो आप उसका भी बेनिफिट उठा सकते हैं। 2 PM में डेली प्रैक्टिस सेट का लाइव होता है। ठीक है, और एसएससी का जो जेई का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, उसका नॉन टेक पार्ट भी जल्द ही प्रोवाइड करा रहा हूँ। बस आप लोग डेली कंटिन्यू चैनल को फॉलो करते रहिए, और जो नया स्टूडेंट है कर लीजिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब, और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी के बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पर जो वीडियो अपलोड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक पहुंचेगा। और वीडियो को लाइक कीजिए एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करने की कोशिश कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को फायदा हो सके। दोस्तों, मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का समय दिया जाएगा, उसके बाद मैं करेक्ट आंसर बताऊंगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और वीडियो के कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है कि आपको 50 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन करेक्ट आंसर हुआ है, और साथ ही साथ सभी क्वेश्चन का आंसर कमेंट करते चलना है। चलिए क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर से नहीं जाइए दोस्तों, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत से 4-5 बुक के कलेक्शन करके आप लोगों को जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन को पिक करके आप लोगों को सेट प्रोवाइड कराता हूं, इसलिए आप लोग सही सही कमेंट करते चलिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के संबंध में भीन का पता लगाइए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा करेक्ट आंसर क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, भिंडी। ठीक है, बीट क्वाइन, यहाँ पे बता दो, बीट कॉटन, गोल्ड राइस एंड अल्मोरा जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित ये सभी है, क्रमशः कपास, चावल तथा आलू की प्रजाति है दोस्तों। ये सभी जो है कपास, चावल और आलू की प्रजाति है, जबकि भिंडी एक सब्जी है। ठीक है, जिसे राम तुरई के नाम से भी कहीं कहीं जाना जाता है। यह जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा विकसित नहीं किया गया था, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, किन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया है उनको आपको बताना है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर की बात करते हैं दोस्तों तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, सुनील गावस्कर। आपको बता दें कि सुनील गावस्कर एक भारतीय क्रिकेटर हैं, इन्हें 1975 में अर्जुन पुरस्कार एवं 1980 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लेकिन इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा नहीं गया है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के किस ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड। ठीक है दोस्तों, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूशन में नाइट्रोजन के नाइट्रोजन पेंटोऑक्साइड का यूज किया जाता है, P2O5 का यूज किया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदल देता है उसे क्या कहा जाता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, कंप्यूटर का वैसा प्रोग्राम जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है उसे क्या कहते हैं। आपको आरआरबी जेई CVT2 का मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया था दोस्तों, उसमें ये सभी क्वेश्चन करवाया गया है कंप्यूटर का। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, उसे कंपाइलर बोला जाता है। कंपाइलर प्रोग्राम किसी एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है दोस्तों, जिसे प्रोग्राम को किसी अन्य भाषा में बदलने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ऑप्शन के अनुसार सभी लोग इलिमिनेट करके बनाने की कोशिश कीजिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? शॉर्टकट की है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। 43 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, कंट्रोल प्लस जेड। कंट्रोल प्लस जेड से क्या होता है दोस्तों, अंडो किया जाता है। कंट्रोल प्लस भी से क्या होता है, कंट्रोल भी प्लस भी दोस्तों उससे जो है पेस्ट करने के लिए यूज किया जाता है। कंट्रोल प्लस वाई से रीडो किया जाता है, और कंट्रोल प्लस एक्स से क्या होता है सभी को पता होता है, होना चाहिए, उससे कट होता है, उससे कट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पानीपत रिफाइनरी किसके अंतर्गत आती है? पानीपत का जो रिफाइनरी है दोस्तों वो किसके अंतर्गत आती है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, आईओसीएल। आईओसीएल के अंतर्गत पानीपत का रिफाइनरी जो है उसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, किस प्रक्रिया के द्वारा आहार नली में भोजन जाता है? वो कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आहार नली में भोजन जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इनडाइजेशन, अंतर्ग्रहण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। भोजन में आहार नली में पहुंचने की प्रक्रिया को अंतर्ग्रहण कहा जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन, 1971 में पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1971 से पहले पूछा जा रहा है, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। जितने स्टूडेंट है एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1965। आपको बता दें दोस्तों कि भारत व पाकिस्तान के युद्ध 1971 से पहले 1965 में भी हुआ था, 1947 में, 1999 में भी यह युद्ध भारत पाकिस्तान के बीच अब तक हो चुका है। कहने का मतलब दोस्तों अब तक जो है भारत पाकिस्तान के बीच जो है चार युद्ध हो गया है। कौन कौन? 1947 में, उसके बाद 1965, 1971, 1999। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, 58 नंबर क्वेश्चन, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन दोस्तों जेई का सीबीटी 2 एग्जाम में इलेक्ट्रॉनिक्स का सेशन 31 31 तारीख को एग्जाम जो हुआ था उसमें ये फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन भी पूछा गया था, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 30 जनवरी 2016। कहने का मतलब जनवरी के अंतिम सप्ताह में, 30 जनवरी 2016। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो क्वेश्चन 2016 जो लिख रहा है, ये क्वेश्चन आई थिंक ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स का जो वर्ष 2016 में जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी का, उसी का क्वेश्चन पिक हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे 2016 लिख रहा है, बस ये आपको याद नहीं रखना है, 2016 आपको बस ये याद रखना है, 30 जनवरी को मनाया जाता है। 30 जनवरी 2019 को भी मनाया गया था, ठीक है, 30 जनवरी 2019 को ही मनाया गया था। आपको बस ये याद रखना है, कुष्ठ रोधी दिवस जो है 30 जनवरी को मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जाना शुरू हुआ है दोस्तों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये 1955 से बनाना जाना, ये जो है कुष्ठ रोधी जो है मनाया जाता है, 1955 से ही स्टार्ट हुआ है। आपको ये याद नहीं रखना है, ये 2016 करंट अफेयर्स का पिछला एनटीपीसी में पूछा गया था दोस्तों, वही ये क्वेश्चन पिक हो गया है, कुष्ठ रोधी दिवस कब मनाया जाता है, तो आपको याद रखना है 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ की गति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कथन सत्य की बात हो रहा है दोस्तों, ट्रू स्टेटमेंट आपको बताना है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, एक ग्रह की कक्षा दो केंद्र बिंदु जिसको फोकी बोला जाता है, फोकी में से एक में सूर्य के साथ अंडाकार होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इनमें से किस देश में सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इनमें से कौन से सबसे छोटे सिक्के को पैसा नहीं कहा जाता, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। रेलवे इस टाइप का क्वेश्चन अक्सर रिपीट करता है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। आपको आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी से रिलेटेड भी आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, जिस तरीका से
आरआरबी जेई सीबीटी 2 के लिए प्रोवाइड कराया गया था दोस्तों। बस आप लोग कंटिन्यू चैनल को फॉलो कीजिए और डेली हैबिट बनाइए टेस्ट लगाने का 9 PM में, ठीक है। 63 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। श्रीलंका की आधिकारिक मुद्रा रुपया है दोस्तों, लेकिन इस मुद्रा का विभाजन सेट में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सबसे छोटा सिक्का को सेंट यहाँ बोला जाता है, रुपया नहीं बोला जाता है, सॉरी पैसा नहीं बोला जाता है, सेंट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, परमाणु विखंडन की प्रक्रिया होती है, सब लोग बताइएगा। 67 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, एक भारी परमाणु नाभिक के उपखंड उसको ब्रेक करने से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, टॉक्सिकोलॉजी, टॉक्सिकोलॉजी का अध्ययन होता है किसमें होता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। टॉक्सिकोलॉजी सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों, जितने स्टूडेंट लाइव है सभी लोग कमेंट जरूर किया कीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट कीजिएगा तभी आप कुछ सीख पाइएगा। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन है, ये जो है जहर का अध्ययन है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। जीवों के ऊपर रसायनों के प्रतिकूल प्रभाव के अध्ययन से संबंधित टॉक्सिकोलॉजी उसको बोला जाता है दोस्तों, विष विज्ञान इसको बोला जाता है हिंदी में, टॉक्सिकोलॉजी को, जो कि जहर से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, ISI का पूर्ण नाम क्या है, ISI का पूर्ण नाम आपसे पूछा जा रहा है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस ISI का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इस क्वेश्चन को भीवी लगा के याद कर लीजिएगा, तवंग मठ कहाँ स्थित है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है, SSC भी ये क्वेश्चन को बहुत बार रिपीट किया है, तवंग मठ कहाँ स्थित है, सभी लोग याद कर लीजिएगा, कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, तवंग मठ जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए, भारतीय संसद के संबंध में विषम का पता लगाइए, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ग्रीष्म सत्र, ठीक है दोस्तों, ग्रीष्म सत्र ये जो है ऑड है, विषम है, क्योंकि दोस्तों बजट सत्र फरवरी मई में मनाया जाता है, मानसून सत्र जुलाई अगस्त में, एंड शीतकालीन सत्र जो है नवंबर दिसंबर में मनाया जाता है। प्रतिवर्ष संसद के 3 सत्र या अधिवेशन होते हैं दोस्तों, बजट सत्र, मानसून एंड शीतकालीन सत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 82 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषाओं के समूह का सदस्य नहीं है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, जितने स्टूडेंट हैं सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा POP3, ठीक है दोस्तों, POP3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। POP3 का फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है दोस्तों। असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग, ये सभी जो है कंप्यूटर का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, भारत में श्वेत क्रांति का जनक, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन किसे जाना जाता है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे जाना जाता है। इस सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, और इसी टाइप के क्वेश्चन RRB NTPC और ग्रुप डी के एग्जाम में इस वर्ष दिखने वाला है, इसलिए डेली हैबिट बनाइए, आपको टेस्ट यहाँ पे डेली 50 क्वेश्चन आपको याद करना है। 50-50 करते करते दोस्तों आप लोग को एक ऐसा कलेक्शन तैयार हो जाएगा जो कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपको दिमाग में याद होगा, इसलिए डेली हैबिट बनाइए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, वर्गीज कुरियन, ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। कब किए थे, 1970 से जो है दोस्तों शुरुआत हुआ था इनका, इसे ऑपरेशन फ्लड भी कहा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक को वर्गीज कुरियन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन है भारतीय रेल ने अपने कौन से जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव की शुरुआत की है, सब लोग कमेंट कीजिएगा, भारतीय रेलवे ने अपने कौन से जोन में बायोडीजल लोकोमोटिव का शुरुआत किया है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में, ठीक है दोस्तों, दक्षिण पश्चिम रेलवे जोन में जो है भारतीय रेलवे ने बायोडीजल लोकोमोटिव का शुरुआत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स कम दूरी को वायरलेस कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करती है, किसके द्वारा किया जाता है वो आपसे पूछा जा रहा है।
सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कम दूरी की बात हो रहा है दोस्तों, वायरलेस कनेक्टिविटी वो किसके द्वारा होता है, सभी लोग यूज करते हैं ब्लूटूथ, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ब्लूटूथ एक वायरलेस संचार के लिए प्रोटोकॉल है दोस्तों, जिसमें मोबाइल फोन, लैपटॉप, प्रिंटर, ये कैमरा, वीडियो गेम जैसे उपकरण के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ करके कनेक्टिविटी करके जो है आप लोग वहां पे कनेक्टिविटी करके वहां से शेयरिंग वगैरह कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फ्रांसीसी खोजकर्ता वास्को डिगामा पहली बार समुद्र के रास्ते भारत पर कहाँ पे उतरा था, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अक्सर रेलवे के एग्जाम में पूछा जाता है, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कप्पड़ केरल। कहाँ है दोस्तों, कप्पड़ केरल। आपको बता दें कि कप्पड़ केरल कहाँ है, ये है पुर्तगाली जो है ये आया था दोस्तों। वास्को डिगामा कब आया था आपको ये भी जानना होगा, 1498 को आया था कालीकट बंदरगाह पे जो कि केरल में पड़ता है। कालीकट बंदरगाह पे आया था दोस्तों जो कि केरल में पड़ता है। कहीं कहीं यहाँ पे कप्पड़ की जगह कोजीकोड भी दिख सकता है, ठीक है कोजीकोड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड कंट्री फर्स्ट लोकपाल रिसेंटली, हाल ही में देश के प्रथम लोकपाल नियुक्त हुए हैं उनका नाम क्या है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। प्रथम लोकपाल की बात हो रहा है दोस्तों, सभी लोग कमेंट करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 19 मार्च 2019 को पिनाकी चंद्र घोष को देश का प्रथम लोकपाल नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है द येलो बेस्ट मूवमेंट इज रिलेटेड टू विच कंट्री, हाल ही में चर्चा में रहा येलो बेस्ट आंदोलन किस देश से संबंधित है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। येलो बेस्ट आंदोलन की बात हो रहा है दोस्तों, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ये फ्रांस में। आपको बता दें कि बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ फ्रांस के नागरिकों द्वारा नवंबर 2018 में पेरिस व अन्य शहरों में प्रदर्शन किया जा रहा था दोस्तों, जिसे येलो बेस्ट या जिलेट जोग मूवमेंट कहा जा रहा था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है, त्रिरत्न की अवधारणा किससे संबंधित है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा जैन धर्म। आपको बता दें दोस्तों जैन धर्म में त्रिरत्न की अवधारणा है, बौद्ध धर्म में भी है दोस्तों त्रिरत्न। यहाँ पे अगर बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों अगर दिखे दोस्तों तो आपका जैन धर्म करेक्ट आंसर होगा, अगर जैन धर्म नहीं दिखे तो बौद्ध धर्म आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि त्रिरत्न की अवधारणा दोनों धर्म में किया गया था। यहाँ पे बता दे कि जैन धर्म में किया गया था दोस्तों, जिसका था सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान एंड सम्यक आचरण, और बौद्ध धर्म का था उसका था बौद्ध धर्म में था दोस्तों बुद्ध धम्म और संघ। लेकिन बौद्ध धर्म में यहाँ पे आपको बता दें कि मूल रूप से अगर त्रिरत्न की अवधारणा हुआ था तो वो हुआ था जैन धर्म में ही, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन के अनुसार, ऑप्शन के अनुसार जैन धर्म इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगर जैन धर्म नहीं दिखाई दे तो ऑप्शन के अनुसार बौद्ध धर्म भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। पंचतंत्र दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है, पंचतंत्र जो है दंत कथाएं किसके द्वारा रचित मानी जाती है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ठीक है दोस्तों पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा ये रचा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भारत का सबसे बड़ा तथा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मठ तवंग मठ कहाँ स्थित है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ये है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, जहां यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उस स्मारक का नाम बताइए जिसे सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कहां कहा जाता है दोस्तों, ये कहा जाता है धमेक स्तूप को जो कि सारनाथ में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्राचीन समय में अवध किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन समय में अवध को किस नाम से जाना जाता था, सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा कौशल,
ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अवध वर्तमान उत्तर प्रदेश में है दोस्तों, जो कि प्राचीन काल में कौशल उसे बोला जाता था। इसकी राजधानी अयोध्या था। अवध शब्द अयोध्या से ही निकला है, जो संस्कृत शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सम्राट अशोक किसके पुत्र थे? सभी लोग कमेंट कीजिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बिंदुसार। सम्राट अशोक जो है बिंदुसार का पुत्र थे, एवं चंद्रगुप्त की पोता। कभी कभी यह भी पूछ लिया जाता है, चंद्रगुप्त का पोता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अगर दूसरा नाम पूछे तो क्या था दोस्तों? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चाणक्य का अन्य नाम विष्णुगुप्त था। क्या था? विष्णुगुप्त। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। और बृहद्रथ की हत्या उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मलविका निगमित्रम किसने लिखा है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कालिदास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। चरक संहिता चिकित्सा को किस शाखा से संबंधित है? चरक संहिता चिकित्सा किस शाखा से संबंधित है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आयुर्वेद। आपको बता दें दोस्तों, चरक कनिष्क के राज वैद्य थे, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा की गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं की खुदाई राजा खारवेल द्वारा किया गया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। उस गुफा का नाम है खंडहरी की गुफा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गुफाओं का खुदाई राजा खारवेल के द्वारा किया गया था? खंडहरी गुफा। क्वेश्चन रिपीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन थे? जितने स्टूडेंट लाइव हैं, एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, जो अभी तक लाइक नहीं किए हैं, क्योंकि दोस्तों आप लोग का एक लाइक ही हम लोग को मोटिवेट करता है बेहतर स्टडी मटेरियल देने के लिए। लाइक शेयर जरूर किया कीजिए। सब लोग कमेंट कीजिएगा, गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक कौन था? करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत पर भ्रमण किया था? गुप्त काल के दौरान किस चीनी यात्री ने भारत पर आक्रमण किया था? उसका नाम था दोस्तों फाहियान। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पंच सिद्धांतिता, ब्रीह संहिता और शाक सिद्धांत के लेखक कौन है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। पंच सिद्धांतिका, ब्रीह संहिता, ब्रीह जातक, गुप्त काल के, इसका लेखक के नाम बताइए दोस्तों कौन थे? ब्राह्महीर थे। किनके द्वारा रचा गया था ये सब? ब्राह्महीर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ही लोकप्रिय है दोस्तों, उसका नाम है अमरकोश। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इस क्वेश्चन का आंसर सभी के द्वारा आना चाहिए। ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है?
ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, यूक्लिड। ज्यामिति का जनक यूक्लिड को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, किस चालुक्य के राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? वो कौन सा चालुक्य के राजा था जिसने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम पुलकेशिन द्वितीय था। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। किस चालुक्य के राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? उसका नाम पुलकेशिन द्वितीय था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, राज तरंगनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? राज तरंगनी द्वारा किन राज्यों के राजाओं का वर्णन किया गया है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। राज तरंगनी बहुत फेमस है दोस्तों, ये किनके द्वारा ये जो है लिखा गया है? कलहन के द्वारा, जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, एक कश्मीर का इतिहास उसमें लिखा गया है। करेक्ट आंसर होगा काश्मीर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, भूटान पर कुच बिहार के एक राजा संगलिद्प द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? शिव लोग कमेंट कीजिएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सातवीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से जुड़े थे? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। राजा भोज बहुत ही फेमस थे दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, ये परमार वंश से जुड़े थे। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज परमार वंश के नौवें राजा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पाल वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज किस राज्य में मौजूद था? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। कामरूप, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज किस राज्य में मौजूद था, वो आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी आसाम। ठीक है दोस्तों, कामरूप आसाम राज्य का प्राचीन नाम भी था, जो अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पूर्वी चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? पूर्वी चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सभी के द्वारा आंसर आना चाहिए। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, करिकल। करिकल प्रारंभिक चोल शासकों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, कौन से चोल राजा ने मालदीप के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजाओं ने मालदीप के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? चार ऑप्शन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, राजा राजराज। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आज का सेशन यहीं पे समाप्त किया जाता है दोस्तों। इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पे विदाउट स्पेस दे करके स्टडी इंडिया अड्डा सर्च कीजिएगा तो ऑफिशियल ग्रुप वहां पे आएगा दोस्तों। वही जो है स्टडी इंडिया अड्डा का ऑफिशियल ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां से पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक होगा, वहां से भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो स्टूडेंट अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट कर दीजिए वीडियो को लाइक, एंड व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि शेयर और लाइक कीजिएगा तभी हम लोग और भी अच्छे मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड कराने का कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, और जो नए स्टूडेंट हैं, सीरियस तरीका से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो कर लीजिए चैनल को फटाफट सब्सक्राइब और घंटी के बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि घंटी का बेल आइकन ऑन रहेगा तभी चैनल पे जो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होता है उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा। टेस्ट का टाइमिंग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डेली 9 PM में
आपको आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का सेट प्रोवाइड होता है डेली, आपको एग्जाम तक प्रोवाइड होगा दोस्तों। एंड 2 PM में डेली आपको बिहार दरोगा एसआई का जो वैकेंसी आया है उसका सेट प्रोवाइड होता है। एंड दोस्तों 9 AM, ध्यान दीजिएगा, 9 AM में आपका एसएससी जेई का क्लासेस जल्द ही टेस्ट प्रोवाइड होगा, बस उसके लिए भी वेट कीजिए, 1 से 2 दिन में आपका उसका भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।